यमुनानगर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल्स की झड़ी लगा दी। दरअसल पंजाब के संगरूर में राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। कृषि मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने गतका खिलाड़ियों से मिलकर इनका हौसला बढ़ाया और उन्हें शानदार जीत पर बधाई भी दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा, गतका एक प्राचीन विद्या है, ये मार्शल आर्ट से भी पुरानी विद्या है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज की जीत ने इसे पुनर्जीवित किया है। कि गतका जो है हमारी एक बहुत प्राचीन विधा है, जिस प्रकार से मार्शल आर्ट का नाम है, इसी प्रकार से हमारी मार्शल आर्ट से भी प्राचीन है और इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे बच्चों ने किया। अभी संगरूर में राष्ट्रीय स्तर के जो गेम हुए, उसमें हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए और तीन बच्चे ऐसे हैं जो सिल्वर लेके आए हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए हैं और एक हमारी बेटी ऐसी है महकप्रीत कौर, जो एक टीम जो है वो 10 मिनट का टाइम लेती है उस खेल में। इस बच्ची ने केली ने 10 मिनट तक वो किया, तो इसलिए बेस्ट प्लेयर इनको घोषित किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और इन्होंने हमारे जिले का प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे आने वाले टाइम में ये और नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलता है। बहरहाल इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ता है, साथ ही इतिहास भी पुनर्जीवित होता है। यमुनानगर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल्स की झड़ी लगा दी। दरअसल पंजाब के संगरूर में राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। कृषि मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने गतका खिलाड़ियों से मिलकर इनका हौसला बढ़ाया और उन्हें शानदार जीत पर बधाई भी दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा, गतका एक प्राचीन विद्या है, ये मार्शल आर्ट से भी पुरानी विद्या है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज की जीत ने इसे पुनर्जीवित किया है। कि गतका जो है हमारी एक बहुत प्राचीन विधा है, जिस प्रकार से मार्शल आर्ट का नाम है, इसी प्रकार से हमारी मार्शल आर्ट से भी प्राचीन है और इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे बच्चों ने किया। अभी संगरूर में राष्ट्रीय स्तर के गेम हुए, उसमें हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए और तीन बच्चे ऐसे हैं जो सिल्वर लेके आए हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए हैं और एक हमारी बेटी ऐसी है महकप्रीत कौर, जो एक टीम जो है वो 10 मिनट का टाइम लेती है उस खेल में। इस बच्ची ने केली ने 10 मिनट तक वो किया, तो इसलिए बेस्ट प्लेयर इनको घोषित किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और इन्होंने हमारे जिले का प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे आने वाले टाइम में ये और नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलता है। बहरहाल इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ता है, साथ ही इतिहास भी पुनर्जीवित होता है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।